हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। अब जिसको एकेडमिक कैलेंडर नहीं पता होता, पहले मैं बता दूँ ये किसके लिए है। जिन बच्चों ने 12th पास आउट करके फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है, जो NEP कोर्स है, फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, ये एकेडमिक कैलेंडर उन बच्चों का है, ठीक है। और एकेडमिक कैलेंडर होता क्या है, देखो एकेडमिक कैलेंडर का मतलब है आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, आपकी क्लासेस कब चलने वाली है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोटिस 12 तारीख को आया था DU की साइट पर, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा, थोड़ी देर रुकना, उसके बाद बताऊंगा आपको कि ये डाउनलोड कहाँ से करना है और कैसे डाउनलोड करना है साइट पे। ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, 2022-23 का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ हो गया, सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का। आपको पता होगा आपके दो सेमेस्टर हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर 1 की, जो आपकी क्लासेज है, जो आपने अभी एडमिशन लिया है, तो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे लिखा है आपकी क्लासेस जो है वो 2 नवंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। 2 नवंबर से आपके फ़ोन पे या मेरे ID पे आपको मैसेज आने लग जाएंगे PCP ऑफलाइन क्लासेस के लिए। मैसेज आएगा तो आपको ऑफलाइन क्लासेस लेने जाना पड़ सकता है, ठीक है। और क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं होता SOL में, आपकी मर्जी है, जाओ चाहे मत जाओ, अटेंडेंस जरूरी नहीं है, लगती ही नहीं अटेंडेंस तो वहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम कब से होंगे। तो देखो, आपके एग्ज़ाम की एक तरह से डेट शीट तो नहीं आई है, मगर अंदाज़ा आपको पता चल जाएगा। आपके एग्ज़ाम जो है वो 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे। ये एकेडमिक कैलेंडर है, इसमें एग्ज़ाम वगैरह सब चीज़ पहले ही मेंशन कर दी। एग्ज़ाम आपके 27 फरवरी से लेके 15 मार्च तक एग्ज़ाम चलेंगे, और आपकी जो डेट शीट है वो आपको जनवरी के अंदर देखने को मिल सकती है। टेंटेटिव डेट शीट आपकी जनवरी में ही आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक दे रखा है, सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा आपको 16 से 19 मार्च का, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। जो सेमेस्टर 2 होने वाला है उसकी जो क्लास स्टार्ट होंगी वो स्टार्ट होंगी फिर 20 मार्च से। 19 मार्च से आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा, फिर 20 मार्च से आपकी सेमेस्टर 2 की क्लासेस ऑफलाइन चालू कर देंगे। उसके बाद आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो उसके होंगे 17 से 28 जुलाई के बीच में, मतलब 17 से 28 जुलाई को आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। सेकंड सेमेस्टर की कोई एडमिशन या कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है, क्योंकि वो आप सेमेस्टर 1 के साथ ही दे चुके हो। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों की फ़ीस इकट्ठे आप दे चुके हो, जो 7,000-6,000 आपने लगभग अप्रोक्सीमेटली पे करी है, वो सारी उसी की है। यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक दे रखा है 29 से 30, तो मेन फोकस करने वाली चीज़ क्या है, एक तो इसके एग्ज़ाम और एक ये वाले एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पहले जो आपके होंगे वो 27 फरवरी से होंगे, दूसरे एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 के 29 जुलाई से हो रहे हैं, ठीक है। ये नोटिस है पूरा देख सकते हो, ये नीचे डीन के जो साइन वगैरह है, जो भी डीन के वहाँ पे इंचार्ज हैं, जो भी, उन सब के यहाँ पे नाम वगैरह लिखे हैं। अब मैं दिखा देता हूँ ये डाउनलोड कैसे करना है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, DU.AC.IN, ठीक है। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। जैसे इस साइट पे आओगे, इसका जो होम पेज है ना, ओपन करते ही थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, आपको काफ़ी सारे स्पॉटलाइट्स, लेटेस्ट DU की अपडेट्स मिल रही होंगी, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे डेट आपकी लिखी है, कौन सी डेट की है। तो जो नोटिस है वो 12 तारीख को आया था, तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। इसको नीचे करके आपका एकेडमिक कैलेंडर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो, ये 12 तारीख को मैंने बताया था एकेडमिक कैलेंडर ऑफ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ये एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है। इस पर आपको क्लिक करना है पोस्ट ऑन अक्टूबर, इस पर। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद एक और आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे, ये देख सकते हो, ये रहा पूरा एकेडमिक कैलेंडर। तो यहाँ से आप अपना पूरा एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अभी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना SOL के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स के लिए।